आई वॉन्ट माई 30 rupees बैक फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी ऐप. फेक ऐप, फेक ऐप. डू नॉट इन्वेस्ट योर मतलब मनी ऑन दिस ऐप. प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट. दिस इज अ फेक ऐप. मतलब पूरा का पूरा बकवास ऐप है, पूरा का पूरा बकवास. आपका मेहनत का पैसा पानी में जाएगा. ठीक है, 5 मिनट बोल के 3 मिनट का देते हैं वहाँ पे चैटिंग का टाइम, और 3 मिनट भी आपके घड़ी के हिसाब से नहीं, उनके कुछ घड़ी है पता नहीं, उनके घड़ी के हिसाब चलेगा. मतलब आपके घड़ी में जहाँ पे 3 मिनट होगा, उनके घड़ी में वहाँ पे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट में आपका 3 मिनट ख़त्म हो जाएगा. आपके घड़ी में 3 मिनट, उनके घड़ी में वो 1 मिनट में ख़त्म, आपका 3 मिनट. इतना गंदा ऐप है. प्लीज़ डू नॉट प्रमोट द एस्ट्रोलॉजी ऐप. डू नॉट प्रमोट. I request to all the YouTubers, do not promote this app. तो मैंने अभी अभी AstroTalk जो बहुत ही famous मतलब वो ऐप है ना, वो बहुत सारे यूट्यूबर्स ये सब कुछ जो ऐड देते थे, ठीक है, मैं AstroTalk मैंने डाउनलोड किया पहले प्ले स्टोर से. तो वो बोलते हैं ना कि पहले का सेशन एकदम फ्री मिलता है, बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास है. मतलब प्लीज़ मत जाओ. मैं बताती हूँ मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा. ठीक है, तो पहले का सेशन क्या मेरा था, मैंने नेम, डेट ऑफ बर्थ, जब भी आप ऐप में एंटर करोगे आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, बर्थ टाइम, सब कुछ वहाँ पे आपको पिन करना मतलब ऐड करना पड़ेगा. जैसे हम फॉर्म फिलअप करते हैं वैसे वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. वहाँ पे उसके बाद वहाँ पे दिखाएंगे कि कोई AstroTalk आपको 10 सेकेंड के अंदर ज्वाइन करेंगे. तो वहाँ पे वो ज्वाइन करने के जस्ट 1 मिनट के अंदर आपको कुछ पूछना है, ठीक है, कि करियर कैसा है, ये कैसा है, वो कैसा है, 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा. 1 मिनट के अंदर प्री सेशन ख़त्म. मतलब 1 मिनट में आप कितना ही टाइप कर पाओगे, और उधर से वो AstroTalk जो एस्ट्रोलॉजर है वो कितना ही टाइप करके आपको भेज पाएगा. ठीक है, तो मैंने पूछा करियर की मेरा क्या स्कोप है, मैं किस लाइन पे जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ अभी, किस मतलब जगह, किस लाइन पे जाऊँ करियर में, कौन सा, क्योंकि मेरा सब कुछ फील्ड मेरा ओपन है. मैं पुलिस में भी जा सकती हूँ, मैं प्रोफेसर में भी जा सकती हूँ, मैं टीचर में भी जा सकती हूँ. मेरा हर एक लाइन मेरा ओपन है मेरा करियर में. मैंने ऐसा कर रखा है, मेरा मतलब मैंने सब कुछ किया है अपने करियर में. ठीक है, मैंने प्लान बी, प्लान सी बहुत कुछ रख के मैंने चल रही हूँ, फिर भी कुछ नहीं है मेरा अभी, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, और वेस्ट बंगाल में तो पता ही है सब कुछ कोरप्टेड है. तो मैंने थोड़ा थोड़ा इसको लिखा, क्योंकि वहाँ पे टाइमिंग दिखा रहा है. वहाँ पे आपको टाइमिंग भी नहीं दिखाएगा. जो फ्री सेशन है ना, ऐसा उनका गेम प्लानिंग है, मतलब देख लो, मतलब खींचने के लिए कस्टमर को. वहाँ पे वो टाइमिंग भी नहीं दिखाएंगे. 1 मिनट के अंदर मैंने इतना कुछ पूछ लिया कि मैं किस लाइन पे जाऊँगी, वेस्ट बंगाल में सब कुछ कोरप्टेड है, पुलिस लाइन में जाऊँ या फिर पीएचडी लाइन पे जाऊँ. वो बता रहे हैं बताती हूँ ऐसा करके. मैं स्क्रीन शॉट भी डाल दूंगी, देख लेना क्या क्या A to Z मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किया है. ठीक है, तो मैं सब कुछ वहाँ पे फिर से 1 मिनट ख़त्म होने के बाद, जब भी वहाँ से कुछ रेमेडीज नहीं आई, मैंने जो भी क्वेश्चंस पूछा, ठीक है, वहाँ पे कुछ रेमेडीज वहाँ से नहीं आया. ठीक है, उसके पहले ही प्रिजेशन ख़त्म हो गया. मतलब विद इन 1 मिनट आप खड़ी पहन के बैठना, क्योंकि वहाँ पे टाइमर नहीं शो होगा. ठीक है, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि हम लोगों को दिखाना कि फ्री सेशन बहुत टाइम तक चलेगा, लेकिन 1 मिनट के अंदर ही ख़त्म हो जाता है. 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट पकड़ के चलो, 1.5 मिनट तो बहुत मैंने मैक्सिमम बता दिया, छोड़ो. तो उसके बाद वहाँ पे आ जाता है कि अगर आप आगे बात करना चाहते हो तो आपको पेड करना पड़ेगा. तो मैंने वहाँ पे पेड का ऑप्शन देखा, 25 रुपया, 50 रुपया, 100, 150, 200, 300, 500. ठीक है, कितना टाइम लिखा था वहाँ पे, 5 मिनट्स. 5 मिनट्स तक आप 5 मिनट्स आप बात कर सकते हो AstroTalk से 25 रुपया में. ठीक है, 50 रुपया में शायद 10 मिनट, मतलब जितना जितना आप बढ़ाते जाओगे 5-5 मिनट आपका बढ़ता जाएगा. तो मैंने सोचा कि मैं 25 रुपया कंट्रीब्यूट करूँ. 25 रुपया नहीं, वहाँ पे चार्जेस और लगाएंगे, GST VST लगा के 4 रुपया चार्जेस. मतलब 29,070 पैसा मुझे पेड करना पड़ा, मतलब अप्रोक्सीमेटली मुझे 30 रुपीज़ पेड करना पड़ा 5 मिनट चैट के लिए. ठीक है, और प्लीज़ थोड़ा सा मतलब ये मैं मेरा फैन चल रहा है, थोड़ा सा साउंड देख लेना, क्योंकि गर्मी में बात करूँगी तो इधर मेरा जो यहाँ पे जो रूम है, आदर्श लड़कियाँ भी रहते हैं, उनको डिस्टर्ब होगा. ठीक है, और फैन बंद करके मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा मेरा मतलब उतना मैं ये नहीं हूँ, क्या कहते हैं उसको, रुक जाऊँ.
इंट्रोवर्ट थोड़ा, ठीक है, उतना मॉडर्न नहीं है कि अपना आवाज़ की, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना, इसको छोड़ो, जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो प्लीज़ सुन लो, अपनी मेहनत के पैसे बचा लो। तो मैंने 30 रुपया वहाँ पर लगा दिया कि मतलब मेरा ट्यूशन का खुद का पढ़ाना पैसा 30 रुपया। अभी मुझे लग रहा है कि 30 रुपया अगर मैं डॉग्स को खिला दी तो और अच्छा होता, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने 30 रुपये से मैंने वहाँ पे चालू किया, ठीक है। पहली बात तो वहाँ पे मुझे एक कॉलिंग आया, ठीक है, और कॉलिंग अपने आप ही कॉलिंग कट हो गया, कॉल अपने आप ही कट हो गया, ठीक है। वहाँ पे उसके बाद मुझे दिखा रहा है चैट एक्सेप्ट चैट रिजेक्ट चैट। तो मैंने एक्सेप्ट चैट पे मैं क्लिक करके जा रही हूँ, क्लिक करके जा रही हूँ, मतलब 2 मिनट तक मैंने क्लिक किया। वहाँ पे क्या दिखा रहा है, इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस इन प्रोग्रेस। मुझे लगा शायद जब चैट ओपन होगा तब से 5 मिनट स्टार्ट होगा, लेकिन नहीं, जब से आपने पेमेंट किया है वही से 5 मिनट्स आपका स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। वो एस्ट्रोटॉक मुझे, मेरे से एस्ट्रोटॉक ने सिर्फ 2 मिनट बात किया, सिर्फ 2 मिनट, मतलब वहाँ पे दिखा रहा है 5 मिनट्स, मैंने एस्ट्रोटॉक से सिर्फ 2 मिनट बात किया, और फ्री का सेशन में जो वो तो 1 मिनट था, वहाँ पे तो कुछ नहीं हुआ। और जो पेड करने के बाद, देखो पेड करने बाद क्या नौटंकी है, पेड करने के बाद वो एस्ट्रोटॉक, उसका कुछ बुक्स में कुछ लिखा हुआ है, कुछ रेमेडीज़ ये करो, हना करो, तना करो, परफ्यूम, ये सब कुछ, मतलब वो शायद सभी को वो भेजते हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी, प्लीज़ देख लेना। मैं और क्या मतलब, इतना मुझे थप्पड़ मारने का मन कर रहा है कि मैं डॉगीज को अगर खिला देती तो मेरा कुछ, मेरा मन को शांति मिलता यार। 30 रुपये में मेरे डॉगीज 1 दिन पूरा खाना खाते, जो भी है। तो वहाँ पे उसने कुछ मतलब करियर मैंने पूछा, तो करियर में इंजीनियर प्रोफेसर टीचर हना तना, उसका कुछ बुक्स में कुछ मार्क्स किया है, ठीक है। मतलब ऐसा पकड़ लो कि एक बुक है, ठीक है, एक बुक में टीचर प्रोफेसर इंजीनियर असिस्टेंट हना तना क्या मेडिकल सब कुछ लिखा हुआ है, वो टिक किया हुआ है, ठीक है। टीचर में भी टिक किया हुआ है, मैं देख दूँ, प्लीज़ मैं डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ, मैं दे दूँगी स्क्रीनशॉट, देख लेना, ठीक है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, उसने मुझे कुछ बुक्स का कुछ खींच के फोटो खींच के मुझे भेजा, 3 मुझे फोटो भेजा, ठीक है। तो मैं उसको कंटिन्यू पूछ के जा रही हूँ, और मैं जब पहली बार मैंने जब पेड करके मैंने जब एंट्री किया, मैंने टाइमिंग देखा, पता है कितना था, 3 मिनट था वहाँ पे, और वो 3 मिनट भी ऐसे ऐसे गुजर रहे हैं, मतलब बहुत वहाँ पे हमारा क्या है, जैसे हम अगर घड़ी पहन के बैठेंगे 3 मिनट टाइमिंग ले लो, बहुत टाइमिंग होता है, क्योंकि मेरा देखो, मेरा ये वीडियो हो रहा है अभी 7 मिनट का, मेरा ये वीडियो होने वाला है, मैंने इतना टाइम भी उससे बात नहीं किया, ठीक है। वहाँ पे 3 मिनट शो कर रहा था, 3 मिनट, और वो मुझे बता रही है कि आप क्या डॉगीज को खाए थे हो, हाँ, मैं कुछ नहीं कह पा, क्योंकि वो बहुत सारा कुछ मुझे भेज रही थी, डॉगीज को खाना देते हो, गणेश जी का पूजा करो, शिव जी का पूजा करो, आपका करियर में चांस बहुत अच्छा है, आपका एडुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है। अब ये सब वो कैसे बता पा रहा है, क्योंकि मैंने उसको डेट ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ बार्थ ऑफ टाइम मैंने सब कुछ भेज दिया था पहले ही वो फ्री का सेशन में, इसलिए उसने वो सब कुछ एनालिसिस करके वो बता रहा है। डॉगीज को खाना देना, मैं उसके लिए ओके करती हूँ, मैं खाना देती हूँ, वो मुझे बोल दिया गणेश जी का पूजा करो, शिव जी का पूजा करो, आपका करियर में चांस अच्छा है, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका अच्छा है। उसके बाद मैं उसको पूछ रही हूँ कि, वो मुझे बोल रही है कि जल्दी से लिखो, ठीक है, तो क्योंकि टाइम चला जा रहा है। वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 1 मिनट हो गया और 1 मिनट बाकी है, मतलब समझो मैंने बस पढ़ाई है, वहाँ पे ही 2 मिनट गायब हो गया, मतलब उनका घड़ी कुछ अलग ही है, हमारे घड़ी से वो टाइमिंग मैच नहीं करेगा 3 मिनट का, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो गया, ऐसा तो हो गया सब कुछ। 1 मिनट के अंदर मैंने पूछा मैं कौन सा लाइन में जाऊँ, पुलिस लाइन में, प्रोफेसर लाइन में, टीचिंग लाइन में, वो मुझे बोल रही है प्रोफेसर लाइन इज़ द बेस्ट फॉर यू, है ना तना, मुझे बस 1 लाइन में लिखा प्रोफेसर लाइन इज़ बेस्ट फॉर यू, मैं स्क्रीनशॉट दे दूँगी, प्लीज़ देख लेना, ठीक है। वो प्रोफेसर लाइन इज़ बेस्ट फॉर यू, मैंने बोला कि मेरा डेट ऑफ बर्थ देख के आपको क्या दिख रहा है, कौन सा लाइन मेरे लिए बेस्ट है, बस मैंने ये बोला, ख़त्म हो गया वहाँ पे, टाइमिंग ख़त्म हो गया, मतलब 1 मिनट जो बचा हुआ था, मैंने बस 1 लाइन वहाँ पे, मैं वॉइस मैसेज दे रही हूँ, मतलब मैसेज में टाइप होके आ रहा है वॉइस मैसेज, ठीक है। आप वॉइस पर वहाँ पे बात नहीं कर सकते, आपको मतलब आप टाइपिंग आपका अगर स्पीड अच्छा नहीं है तो वो होता है ना कीपैड में वॉइस टाइप करोगे तो वहाँ पे बोल लिखा हुआ आ जाएगा, टाइपिंग टाइपिंग होके आ जाएगा,
तो बस मैंने वही बोला कि कौन सा करियर का स्कोप मेरे लिए अच्छा है। आप बोल रहे हो पीएचडी, लेकिन पुलिस लाइन ए लाइन में कैसा क्या है, क्या दिखा रहा है। ख़त्म हो गया वहाँ पे चैट का टाइमिंग। फिर से मैंने जब क्लिक किया कि अगर आप आगे बात करना चाहते हो तो फिर रिचार्ज करो। क्या रिचार्ज करो? अभी 100 रुपया, 100 रुपया फॉर अनलिमिटेड टाइम्स एंड गेट ऑफर। मैंने अब नहीं किया क्योंकि वहाँ पे अनलिमिटेड टाइम दिखा रहा है, लेकिन वहाँ पे फिर से नौटंकी होगा। वहाँ पे अनलिमिटेड टाइम होगा लेकिन टाइमिंग उनका घड़ी के हिसाब से पता नहीं अनलिमिटेड टाइम क्या होगा। क्योंकि अगर पकड़ लो 5 मिनट का टाइम था, उन्होंने रिचार्ज के बाद से ही वहाँ पे वो काउंट कर दिया। इधर एस्ट्रोलॉजर आया ही नहीं, एस्ट्रोलॉजर के साथ मेरा चार्ट शुरू भी नहीं हुआ। जब चार्ट शुरू हुआ तब 3 मिनट्स बाकी था। 3 मिनट्स में उसने मुझे कुछ बुक्स का कुछ फ़ोटो खींच के भेजा, जहाँ पे मुझे लगता है उसने बाकी और को भी भेजा था सेम बातें। मैं दिखा दूँगी, ना उसका कुछ हाथ है ना उसका कुछ पैर है। मतलब मेरा तो क्या यार 23 रुपया, मुझे बहुत ही गंदा वाला फीलिंग आ रहा है, इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। एकदम फेक है, बहुत ही बकवास है एस्ट्रोटॉक। प्लीज़ मत डाउनलोड करना, अपने मेहनत की पैसों को डॉगीज़ को खिला दो, किसी भूखे आदमी को खाना खिला दो यार। आपकी मन को भी शांति मिलेगा, पुण्य भी मिलेगा। ऐसे जगह पे पैसे मत बर्बाद करो। अगर आपको कुंडली दिखाना ही है तो मतलब आपके आसपास जो अच्छा वाला ज्योतिषी मोतिषी बैठते हैं ना 200-300 रुपया लेके, उनको दो तो फिर वो अच्छा बोल पाएंगे। भाई 30 रुपये में 5 मिनट तो मुझे प्रॉपरली दे देते, मैं तो पूछ ही लेती। मुझे बस करियर का पूछना था अच्छे तरीके से, ठीक है। प्रोग्रेस का पूछना था कि आगे लाइफ का क्या प्रोग्रेस दिखा रहा है मेरे डेट ऑफ बर्थ से। मतलब 5 मिनट का टाइम उन्होंने माइनस करके 2 मिनट माइनस पता नहीं कहाँ से किया, उनका एस्ट्रोलॉजर ज्वाइन नहीं किया, 3 मिनट मुझे टाइमिंग दिया। 3 मिनट भी हमारे घड़ी के हिसाब से नहीं जा रहे, उनका कुछ घड़ी के हिसाब से जा रहा है। मतलब पूरा का पूरा फेक है। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है मेरे 30 रुपये के लिए। सच में बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है। मुझे नहीं पता मैं कैसे, अब छोड़ो, मैं मेल बहुत कुछ भेज सकती हूँ गाली गलौज करके, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है। बाहर में जाओ यार। क्या 30 रुपया मैं सोच लूँगी। मैंने डॉगीज को खाना खिला दिया, जो कि मैंने 20 रुपया खिलाया भी है। अभी मैं सोच लूँगी भाई, मैंने किसी को दे दिया, बस छोड़ो, मगज मारे नहीं चाहिए। बस मुझे एक्सपीरियंस करना था। वो फ्री चैट के चक्कर में मेरा 30 रुपया चला गया। फ्री चैट ओनली फॉर 1 मिनट, मतलब क्या झांसा है। सच में बहुत ही गंदा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं दे दूँगी स्क्रीन रिकॉर्डिंग, सब कुछ देख लेना प्लीज़। और प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड द एस्ट्रोटॉक। और जो यूट्यूबर भी प्रमोशंस कर रहे हैं, मतलब जब मेरा चैनल मोनेटाइज होगा, मुझे भी ऐसा बकवास प्रमोशन करना पड़ेगा पैसों के चक्कर में। मतलब अच्छा अच्छा यूट्यूबर सब एस्ट्रोलॉजी का प्रमोशन दे रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर ऐप का प्रमोशन दे रहे हैं। उनको शर्म भी नहीं आ रहा है कि फ्री चैट जो सेशन जो है वो 1 मिनट तक है यार। 1 मिनट में क्या ही पूछ लोगे। अगर 2 मिनट में मैंने 2 मिनट में उसने मुझे बस ये बोला कि पीएचडी करियर इज बेस्ट फॉर यू, उसके बाद मैं उसको कुछ ऑप्शंस दे रही हूँ कि पुलिस का ऑप्शन क्या है, टीचर का ऑप्शन में क्या दिखा रहा है मेरा फ्यूचर, कुछ दिखा भी रहा है या फिर नहीं दिखा रहा है। आपका शनि भारी है, मंगल आपका कम है, गणेश पूजा करो, सिख पूजा करो, डॉगीज को खाना खिलाते हो। बस मुझे एक ही बात अच्छा लगा, डॉगीज को खाना खिलाते हो, वो उसने बोला। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था यार। अच्छा, प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड द एस्ट्रोटॉक ऐप प्लीज़। और जो जो भी यूट्यूबर इसका प्रमोशन दे रहे हैं, मतलब कितने नीचे भी आप गिर सकते हो। आप पहले देख तो लो, जो फ्री का सेशन का आप नौटंकी बोल रहे हो, फ्री सेशन आप देख तो लो। वहाँ पे सेशन का टाइम 1 मिनट है यार। 1 मिनट के अंदर भी उसको फिर हाई लिख के भेजना है। 1 मिनट के अंदर आपको नाम लिख के भेजना है, ठीक है। मैं वो मुझे पहले मतलब वो पहले बताएगा कि मेरा एस्ट्रोलॉजी मतलब उस एस्ट्रोलॉजर का नाम क्या है, मैं आपके क्या हेल्प कर सकती हूँ। उसमें जो 30 सेकंड्स चले गए, 30 सेकंड्स में आप क्या ही पूछोगे। बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। ठीक, तो ये देखो, मैंने एस्ट्रोलॉजी का ऐप यहाँ पे डाउनलोड किया, उसके बाद मैंने नेम डेट ऑफ बर्थ सब कुछ के देखे एंटर कर दिया। और ये है, ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये फ्री का चैट देख लो, अच्छे से देख लो। और इसके बाद ये जो दिख रहा है, बस इतना ही मैं दिखा रही हूँ। प्लीज़ आप लोग टाइमिंग में मत जाना, क्योंकि उनका टाइमिंग अलग ही।
मैंने बस कुछ ही सवाल पूछे, आप देख सकते हो, और वहाँ पे टाइमिंग ख़त्म हो गया। और वहाँ पे देखो 25 रुपये आपको पेड करना है फॉर 10 मिनट्स, वहाँ पे 5 मिनट्स भी वहाँ पे नहीं दे रहा है, 3 मिनट्स मुझे मिला। और ये देखो यहाँ पे मैं जब इसमें वहाँ पे आया मेरा, मैं जब भी स्टार्ट पे क्लिक कर रही हूँ, इन प्रोग्रेस, मुझे 3 मिनट तक मुझे यही दिखाया। उसके बाद देखो यहाँ पे मुझे कुछ कुछ यहाँ पे दिखाया, मतलब फ़ोटो कुछ खींच के भेजा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या ही लिखा है, मुझे कुछ भी नहीं, मतलब दिमाग ख़राब है, मतलब कुछ भी लॉजिकल यहाँ पे नहीं है, मतलब सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, करियर वेरियर सब कुछ। और यहाँ पे देखो मैंने 30 रुपया वहाँ पे पेड भी किया था। देखो उसका कुछ लिखा हुआ है बुक्स के अंदर, कुछ प्रिंट आउट है वहाँ पे, क्या क्या मतलब ऑप्शंस है करियर के, वहाँ पे सब कुछ लिखा है। यहाँ पे मेरे लिए कुछ बताया क्या? मेरे लिए कुछ भी नहीं बताया। मैंने जो मैंने उसका ऑप्शन दिया पुलिस या फिर प्रोफेसर, उसने बस प्रोफेसर पे टिक किया। और यहाँ पे बस मुझे कुछ बुक्स खींच के, बुक्स का फ़ोटो खींच के मुझे बोल रही है कि मैंने आपका सब क्वेरी सॉल्व कर दिया, मैंने आपको सब कुछ भेज दिया। मतलब क्या ही नौटंकी है सचमुच यार, ये कितना गंदा मैं फंसी हूँ, मेरा 30 रुपया। और यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर से वही वही है, मतलब शायद किसी और का वो बोल रहा था। यहाँ पे देखो कुछ लिखा हुआ है, इसका बंगाली में लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब किसी और का भी बुक कर रहा था उस टाइम पे। यहाँ पे देखो इंजीनियर पे टिक किया हुआ है, प्रोड्यूसर पे, डायरेक्टर पे, मतलब क्या नौटंकी है सब कुछ। उसका कुछ फ़ोटोज़ यहाँ पे क्लिक किया है और यहाँ पे उसने मुझे भेज दिया दूर दूर तक, जहाँ पे मेरा करियर के साथ कुछ लेना देना नहीं है। इंजीनियरिंग का छोड़ लो, ओन बिजनेस, ओन प्रोजेक्ट के किस लिए भेजा मुझे? आई वॉन्ट माई 30 रुपीज़ बैक। मतलब ये देखो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाला इसका, पहले तो मैंने अपना नाम डिटेल सब कुछ दे दिया, ठीक है, वहाँ पे सब कुछ दे दिया। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है कि वेलकम टू एस्ट्रोटॉक, बोलून की जानते चाह नाम के बंगाल थी ऐसे कोई, ठीक है, जबकि मैं क्या पूछना चाहती हूँ, तड़ातड़ी लिखूँ नोहले समय चले जाबे। जब मैंने पेड कर दिया तब मुझे ये दिखा, ठीक है, मतलब जब मैंने 25 रुपया पेड किया तब मुझे ये सब कुछ बोल लिख के भेज रहा है कि मैं डॉगिस को खाना देती हूँ क्या नहीं, आपके कुंडली पे ऊपर मंगल के ऊपर शनि कत्तू पता नहीं क्या लिखा दिला, बी केयरफुल फॉर मनी रिलेशनशिप एंड वेल्थ, शिव पूजो करूँ, मतलब शिव का पूजा करने के लिए बोल रहा है, एडुकेशन करियर बहुत ही अच्छा है आपका, मुझे ये सब कुछ बोला, ठीक है। ये देखो बोलून की जानते जान, मैंने इसको पहले पूछ ही लिया था जो वहाँ पे फ्री चैट है वहाँ पे था, फिर से मुझे वो रिपीट। और देखो ये मैंने जैसे आपको फ़ोटोज़ दिखा दिया, ये सब कुछ मुझे पूछ रहा है जहाँ से मेरा दूर दूर तक कोई मैंने लेना देना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या लिखा है मुझे बताओ, साइकेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट, राइटर्स, योगा, मेडिसिन, ये सब तो मेरे लिए कुछ काम का ही नहीं है ना यार। तो यहाँ पे देखो बस, मतलब ये देखो करियर जॉब, इसके लिए जब मैंने भेजा है परफ्यूम, शेयर मार्केट, लग्जरी कार, मतलब कितना मेरा फ्रॉड हुआ मेरे साथ यार सचमुच। मतलब कोई डांसर, डायमंड्स, स्वीट शॉप, मतलब ये करियर का ऑप्शन है, मतलब कुछ क्या ही बताऊँ मैं आपको सचमुच। मत अपना मेहनत का पैसा मत देना यहाँ पे। यहाँ पे इंजीनियर पे इसने टिक किया, मैंने इसको पूछा कि प्रोफेसर बनूँ या फिर कुछ, ये देखो यहाँ पे मैंने पूछा था देखा पुलिस या फिर प्रोफेसर, तो यहाँ पे क्या बोला है, आमार मन है आमिर सब लिख दिया। उसको लगता है वो मुझे बोल रही है कि उसने सब कुछ लिख दिया, लेकिन क्या ही लिख दिया उसने, कुछ फ़ोटो खींच के भेज दिया और क्या ही लिखेगा वो। और किसे कोते जान एडुकेशन को तोटा, मुझे आप पूछ रही है कि आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसने मुझे पहले प्रोफेसर का बता दिया, उसके बाद ये मुझे पूछ रहा है कि आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन कितना है। मतलब शर्म कर लो थोड़ा सा, आपको अगर ये पता नहीं है कि प्रोफेसर मतलब कैसे बनते हैं, कितना एडुकेशन लगता है, तो फिर आप कैसे उसको बोल सकते हो कि प्रोफेसर लाइन इज़ बेस्ट फॉर यू। मतलब बहुत ही मेरे लिए बहुत ही गंदा एक्सपीरियंस था। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिक करके देखा, यहाँ पे रेमेडीज़ आपको बुक करना पड़ेगा, बहुत ही गंदा है, प्लीज़ डू नॉट डाउनलोड द एस्ट्रोलॉजी।